हाँ जी बेटा जी, आज जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नीट की एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसका, या तो चाहे मैचिंग का आ जाए या पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम है ना और लंग कैपेसिटी के नाम से। इसमें कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, अगर समझ जाओगे बहुत ईजी है और समझना ही पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द क्लास आपको पूरा का पूरा दिमाग में आ जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पहले पूरा का पूरा समझना है। आर यू रेडी फॉर दैट? आज का टॉपिक है हमारा बेटा पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। या लंग कैपेसिटी, इसका मतलब है कि हम कितनी एयर इनहेल करते हैं, कितने एक्सहेल, कितनी कितनी कहाँ रहती है, पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये एब्रीवेशन से ज्यादा जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टीवी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता, समझिए। हम नॉर्मल कंडीशन में, जैसे हम एक रेस्टिंग पोजीशन में है, नॉर्मल कंडीशन है, हम कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं और कितनी एक्सहेल कर रहे हैं, कितनी एयर अंदर ले रहे हैं, कितनी एयर बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग इनटेक एंड एक्सहेल, इनटेक और एक्सहेल इन रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल हम कितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं, कितनी एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 500 mm। फाइव हंड्रेड एम एल मतलब हम 500 ml एयर को इनहेल करते हैं नॉर्मली और एक्सहेल करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 5 ml इनहेल किया, तो बीच में क्या है, बीच में नेजल चैम्बर है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, देन ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, टर्मिनल ब्रोंकियोस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। यहां तक पहुंचेगी तो ये भी तो खाली नहीं रहेगा ना, इसमें भी कोई एयर रहेगी। तो बेटा इसको आगे सेग्रीगेट किया हमने, थ्री फिफ्टी एम एल एंड 150 ml। 350 ml का मतलब वो एयर जो हमारी एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, एल्वियोलस तक पहुंचेगी, रिचेज अप टू 500 ml इंटेक कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा 500 एक्सचेंज नहीं होता, कितना होता है, 350 होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एल्वियोलर वॉल्यूम। इसको क्या एक नाम दिया जाता है बहुत प्यारा सा, क्या, एल्वियोलर वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इसको, एल्वियोलर वॉल्यूम बोला जाता है। तो कोई पूछे टाइडल वॉल्यूम कितना है, तो टाइडल वॉल्यूम हमें कितना बताना होगा, 500। अगर पूछे कि एल्वियोलर वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम का मतलब जो वॉल्यूम एल्वियोलाई तक पहुंचेगा,
पहुंच गया है। आप देखिए 150 कहां बताया, तो मैं क्या लिख सकता हूं ऐसा, रिमेंस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। सही बात है कि या एक्सटर्नल नेजल चैम्बर से लेके एल्वियोला तक पहुंचने के लिए जो एयर इस ट्रैक में है उसको क्या बोलेंगे, आप बताइए ये काम में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, भाई एनाटॉमी तो है ना, एनाटॉमी क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम क्या पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब बॉडी की जो स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर की रुकाना है, तो इसको क्या, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसको क्या बोला, ये क्या है, एनाटॉमिकली डेड स्पेस है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोला बेटा, इसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोला। तो मतलब हमने कहा कि 500 ml हम इंटेक करते हैं लेकिन यूटिलाइज कितना होता है, 350 मतलब कहां पहुंचता है, एल्वियोलाई तक। लेकिन बेटा जरूरी तो नहीं है सारी एल्वियोलाई काम करें। मान लीजिए मैंने कहा एक एल्वियोलर टैंक में 8 से 10 एल्वियोलस होता है, हो सकता है 2 या 3 खराब हो जाए जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या होता है कुछ एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलस क्या होता है, वो ऑक्सीजन करने में समर्थ नहीं है, तो उसके सामने जो एयर गई है वो भी काम की नहीं है। तो अगर मैं फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस की बात करूं, एक टाइम और यूज करेंगे अभी हम, इसका मतलब है कि हमने 500 ml इनटेक तो की लेकिन उसमें रियल में कितनी काम आई, तो कौन सा आएगा, ये काम में नहीं आई, तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए, डेड स्पेस वॉल्यूम प्लस नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई। क्लियर है बेटा, देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है, जितना एयर हम इनहेल कर रहे हैं नॉर्मली इट्स 500 ml, ओके इट इज नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन, 500 ml इनटेक एंड इनहेल और 500 ml एक्सहेल। क्लियर है, ओके देन मुझे हमें पता है कि बहुत लंबा रास्ता तय करके जाता है, तो 150 ml क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाएगा, और 350 ml कहां पहुंचेगा, एल्वियोलर ट्रैक्ट में पहुंचेगा। लेकिन वो कई बार क्या होता है, सारी एल्वियोलाई फंक्शनल नहीं होती, तो वो भी एयर काम में नहीं आई, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस वॉल्यूम। तो ये अभी नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप,
देन बेटा। चलिए बेटा ठीक है, तो ये पहला हुआ टाइडल वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम होता है इंस्पायरेटरी विजा वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका भी एब्रीविएशन IRV। इसके बारे में एक लाइन लिखता हूं, बाद में समझाता हूं। वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। मतलब हम नॉर्मली कंडीशन में कितना लेते हैं भाई, 500 ml, लेकिन हम उसके बाद में और भी तय ले सकते हैं ना, लंबी सांस लेते हैं और लेते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं अनुलोम विलोम करो क्या, तो क्या होता है भाई, नॉर्मल ले रहा हूं मैं खड़ा हूं, फिर और भी ले सकते हैं ना हम एयर, तो नॉर्मल इनटेक के बाद में हम कितनी एयर और इनहेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होती है बेटा टू 3000 ml, 2 से 3 लीटर। मतलब हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद में भी दो से तीन लीटर एयर को और इनहेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? एक और आती है टर्म, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC मतलब हम मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, नॉर्मल हम कितनी लेते हैं 500, और उसके बाद में कितनी ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो टोटल जितनी एयर इनहेल कर सकते हैं वो बता सकते हैं ना। तो अगर मैं आईसी की बात करूं तो क्या होगा, पीवी प्लस IRV, कितना है ये, 500 प्लस 2000 टू 3000 ml, ये सो लो, तो ये कितना हो गया लगभग, मतलब 2.5 लीटर से 3.5 लीटर एयर को हम हमारे लंग्स में इनहेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद में और सांस को कितना खींच सकते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कोई पूछिए भाई कि टोटल कितनी ले सकते हो, तो टाइडल तो 500 लिया, उसके बाद में जितना लिया वो टोटल हुआ, उसके बाद में तो नहीं ले सकते ना, तो दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक आता है टर्म एक्सपायरेटरी
एक्सपायरेटरी नॉट इंस्पायरेटरी। रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि हम नॉर्मल के बाद में कितना ही इनहेल कर सकते हैं, तो एक्सपायरेटरी क्या होगा, एक्सपायरेटरी क्या होगा नॉर्मल एक्सहेल के बाद में कितना। हम देखिए फूक मारते हैं ना, मारते हैं ना फूक मारना, तो वो क्या हुआ मतलब नॉर्मल एक्सहेल के बाद में भी हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर और बाहर निकाल सकते हैं, वो जनरली नहीं निकालते हम, वो ये वॉलेंट्री एक्शन है, हमारे हिसाब से चलती है। अगर हम उसको निकालना चाहें तभी, मतलब फूक अब बार बार फूक तो नहीं मारते हो, तो ऐसे तो ना चलते हो, ऐसे तो ना करते हुए चलते हो, तो इट्स कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच वॉल्यूम ऑफ विच कैन बी एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेरेशन। मतलब हम नॉर्मली जितनी हवा माउथ से छोड़ते हैं ठीक है, तो उसके बाद हम कितनी एयर और एक्सहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, वो क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट होता है बेटा कितना, 1000 to 1500 ml। और हम इसको नियर अबाउट लेते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, 1100 ml। मतलब 1100 ml एयर को हम 500 ml एयर एक्सहेल करने के बाद में लगभग 1100 ml एयर भी और एक्सहेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद में और कितने ले सकते हैं, आई आर वी इट इज 2000 to 3000 ml। इंस्पायरेट कहते हैं टोटल कितनी ले सकते हैं, तो क्या होगा 2500 to 3500 ml। और एक्सपायरेटरी नॉर्मल एक्सहेल के बाद में भी कितनी और बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। राइट डाउन बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट पर्सन, ओके। आगे जो सारी कंडीशन है वो आगे मैं बात करूंगा फिर। जी आएगा बेटा, मैं बोल रहा हूं टेस्ट में ये जब तक लास्ट लेक्चर होगा तब तक आएगा। डन बेटा, रिटर्न कुछ नहीं बेटा, बाद में done everybody।
आई ऑलरेडी रिटर्न इज नॉर्मल एग्जाम है, नॉर्मल ही लेना चाहिए 500 ml ना। तो फर्स्ट वॉल्यूम क्या लिखवाया था, वही तो लिखवाया था। कहाँ रहते हो तुम लोग? अब इसके बाद में एक टर्म और आती है फिफ्थ, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। बीसी वाइटल कैपेसिटी। अब इसके बारे में मैं लिख पाता हूं एक बार, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुली इनहेल। आफ्टर फोर्सफुली इनहेल मतलब मैं सांस खींच के जितनी सांस वापस छोड़ सकता हूं वो टोटल कितना होता है? तो वो टोटल कितना होगा देखिए, मजे की बात बताऊं, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम जोड़ दूं प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दूं प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दूं तो क्या होगा? नॉर्मल वाला ये है, सांस कितनी ली, कितनी और छोड़ सकते हो, और उससे ज्यादा छोड़ने के बाद में कितनी और छोड़ सकते हो, तो कितने हुआ ये 500 प्लस ये कितना था 2000 to 3000 प्लस, इसको हमने कितना माना था 1100 ml, ऐसे ही माना था ना। तो ये लगभग, इट्स नॉट एग्जैक्ट, लगभग 3500 to 4500 ml एयर। मतलब हम जो जबरदस्ती जितना सांस खींच के वापस कितनी सांस छोड़ सकते हैं वो 3.5 से 4.5 लीटर एयर होती है। मतलब हम 3500 to 4500 ml एयर को इनहेल करके एक्सहेल कर सकते हैं। मतलब मैं नॉर्मल सांस लिया, पूरा सांस को खींचा और पूरा सांस को छोड़ा फोर्सफुली, जैसे फूंक मारना बोलते हैं अपन, तो वो कितना है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए एक टाइम और आती है बेटा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। मतलब अगर हमने फूंक मारी, मतलब मैंने सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर और एक्सहेल किया फोर्सफुली, तो क्या लंग्स में पूरा का पूरा एयर खाली हो गया? नहीं बेटा, लंग्स में परमानेंटली हम कितना ही तेज सांस को खींचे, कितनी जोर से वापस छोड़े, कुछ ना कुछ एयर रहता है। अगर एयर नहीं रहेगा तो सारा एल्वियोलर डक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई चिपक जाएंगे एक दूसरे, कोलैप्स हो जाएंगी वो, है ना भाई। कार्टिलेजियस रिंग तो कहाँ है, टर्सरी ब्रोंकाई तक ही तो है, उसके बाद में कहाँ है? अगर वहां नहीं रहेगी एयर तो चिपक जाएंगे कि नहीं जाएंगी? तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर कहाँ लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है, चाहे हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करें या ना करें। देखिए मैं अगर लिखूं इसके बारे में, volume of air that remains in lungs after forceful exhalation, मतलब
हम फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर दे उसके बाद में भी सम अमाउंट ऑफ एयर विल रिमेन इन लंग्स एंड दिस इज 1500 ml. मतलब 1500 ml एयर हमारे लंग्स में हमेशा हमेशा के लिए रहती है, वो खाली नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. लिखिए इसको बेटा. अच्छा बेटा मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा, डोंट वरी. अब लेट मी कंप्लीट. Noted beta everyone. Noted beta. Noted everyone. Yes or no? अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो वॉल्यूम है सेवन. ये रटना नहीं है, समझना है इसको सबको. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. FRV. सर ये क्या है भाई? मैंने कहा कि वो एयर जो लंग्स में रिमेन्स है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन वो कितनी है? 1500 ml. लेकिन क्या हर बार हम फूंक ही मारते हैं? हर बार क्या फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं? नहीं ना. तो जो ERV है, जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एयर को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी तो नॉर्मल कंडीशन में कहां रहेगी? लंग्स में रहेगी ना. तो अगर मैं लिखूं FRV इज इक्वल टू, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी रहेगी, प्लस क्या ERV, कि हर बार बाहर थोड़ने का निकालेंगे हम ERV. तो कितना हो गया ये? प्लस 1100 एंड इट्स नियर अबाउट 250 ml. मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो फंक्शनल एयर है हमारे लंग्स में रिमेन्स रहती है
लेंथ में रहती है पर इन नॉर्मल कंडीशन वो कितने 2500 ml है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग्स में हमने जब वाइटल कैपेसिटी पढ़ी थी, वाइटल कैपेसिटी कितनी थी कि फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं और फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, तो फिर बचा क्या भाई? फोर्सफुल इनहेल किया और फोर्सफुल एक्सहेल किया तो बचा क्या? फिर रेजिडुअल वॉल्यूम ही तो बचा ना, है ना भाई? मैं क्या कह रहा हूं, मैं फोर्सफुल कंडीशन बता रहा हूं, फोर्सफुली एक्सहेल और फोर्सफुली इनहेल, तो क्या बचा? अगर मैं यहां लिखूं टीएलसी, अब यहां पे टीएलसी स्टैंड फॉर टोटल लंग कैपेसिटी, नॉट लाइक टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ब्लड में होता है, वो नहीं है। ये कितना होगा वाइटल कैपेसिटी? कितना ज्यादा ले सकते हैं, कितना ज्यादा बाहर छोड़ सकते हैं? जितना ज्यादा बाहर छोड़ दिया फोर्सफुली तो अंदर कुछ तो बचा ना, कौन सा बचा था? रेजिडुअल वॉल्यूम बचा था। तो कितना हो गया ये 3545 प्लस रेजिडुअल कितना है? 5000 to 6000 ml या 5 से 6 liter। मतलब हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5 से 6 liter एयर की है बेटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई टेंशन किसी को? कोई दिक्कत? अब एक आता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये नीट में नहीं पूछा जाता लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब एक मिनट में नॉर्मल कंडीशन में हम कितनी एयर इनहेल करते हैं, कितनी एक्सहेल करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम कितना करते हैं? 500 ml टाइडल वॉल्यूम ना नॉर्मल कंडीशन। और एक मिनट में हम कितना सांस लेते हैं? 12 टाइम ए मिनट। एक मिनट में ब्रीदिंग रेट क्या है हमारी? 12 times per minute। तो एक मिनट में कितना हुआ? फिर देखिए कितने टाइम लिया, 12 × 500 ml तो इज इक्वल टू कितना? अरे 6 liter ml, 6000 ml पर मिनट। मतलब एक मिनट में हम 6 liter एयर को इनहेल और नॉर्मली एक्सहेल करते हैं। अब एक इसी में से एक क्वेश्चन और आ गया भाई, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में बेटा, एक मिनट में एल्वियोलाई तक कितनी एयर पहुंची? तुम्हें पता है भाई 150 ml तो कहां रह जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाती है ना। तो एक मिनट में कितनी पहुंची? 12 × 350 तो कितनी हुई बेटा? 4200 ml लगभग। यहां तक कोई दिक्कत? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन में लंग्स में आपसे नॉर्मल एक्सहेलेशन कितनी एयर रहती है? तो कितनी रहती है? 250 ml, सॉरी 250
2500 ml रहती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हुई, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजिडुअल वॉल्यूम, और मिनट रेस्पिरेटरी एक मिनट में कितना इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं 6000, और एल्वियोलर वेंटिलेशन एक मिनट में एल्वियोलाई तक कितनी एयर पहुंचती है हमें पता है 350 ml पहुंचती है एल्वियोलर। अब एक क्वेश्चन आर्चिया ने पूछा था कि ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम आर 25-30% लेस इन फीमेल्स, कहीं भी लिख लेना बाद में, ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम आर 25-30% लेस इन फीमेल और हायर इन एल्टीट्यूड, जो हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं उन पे क्या, सॉरी एल्टीट्यूड नहीं, क्या एथलेटिक्स, जो एथलेटिक है प्लेयर्स है उनमें क्या होता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन जो नॉर्मल लाइफ जीता है मैं उसके बारे में बताता हूं। अगर आप बात करोगे जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं एथलेट्स होते हैं उसकी लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उनमें ज्यादा होगा, फीमेल में एज कंपेयर टू मेल 25-30% लेस होती है, लिख लीजिए बेटा। डेफिनेटली बेटा बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो 25-30% लेस होते हैं इन फीमेल में, फीमेल में ये अमाउंट कम होता है लगभग 25-30% और हायर इन एथलेटिक्स, एथलेट्स में क्या होगा ये हायर होगा। नोटेड भाई, मिनट का मतलब होता है एक मिनट में कितनी एयर इनहेल हो रही है, तो एक मिनट में 12 टाइम हम ब्रीदिंग करते हैं तो एक एक टाइम की ब्रीदिंग में 500 ml जाता है तो एक मिनट में कितना जाएगा 6000। इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट परसेंटेज, कोई परसेंटेज नहीं है एथलीट्स में, बट हायर होता है, इट्स डिपेंड अपॉन द विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे आर डूइंग। नॉर्मल कंडीशन Noted everyone? अब एक ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ में सारा का सारा एक साथ समझ में आ जाएगा।
समझ रहा बेटा, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूं। नॉर्मल कंडीशन मैंने शुरू की 500 ml लिया और 500 ml ली वापस छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, टाइडल वॉल्यूम हुआ। दोबारा लिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने सांस को और खींचा, तो ये क्या हुआ हमारा आईआरवी, ये क्या हुआ हमारा आईआरवी हुआ कि नहीं हुआ यहां से लगे। नॉर्मल लेने के बाद में और खींचा आईआरवी, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने इसको थोड़ा सही नहीं बना, मैं ज्यादा बोर्ड छोटा है, बनाना ऐसे ही है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, बनाना ऐसा ही है। ये क्या था हमारा आईआरबी, मतलब ये टोटल कितने होगी, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी ना बेटा, आईसी होगी। नॉर्मल यहां तक आया, निकाल दिया, छोड़ दिया, फिर भी हम कह सकते हैं कि वहां से आने के बाद में भी हम फूंक मार सकते हैं। ये मतलब ये नॉर्मल इनहेल था, ये नॉर्मल एक्सहेल था, तो फिर एक्सपायरी, तो इसके बाद में यहां के बाद में और भी तो फूंक मार सकते हैं, तो इसको क्या बोला हमने ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर वापस सांस लिया और वापस नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई टेंशन। अब देखिए यहां पर भी एक एयर बच गई, जिसको क्या बोला हमने रेजिडुअल वॉल्यूम, यस और नो, क्या बोला रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए यहां से यहां तक को क्या बोला हमने वाइटल कैपेसिटी, बोला था ना IRV प्लस TV प्लस ERV वाइटल कैपेसिटी, और यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोला हमने TLC। आया समझ में भाई, मैंने क्या कहा, ग्राफ बनाया, नॉर्मल 500 लिया, नॉर्मल छोड़ा, फिर मैंने 500 लिया, फिर ओल्ड लिया, कितना लिया IRV लिया, फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में 500 छोड़ दिया, फिर मैंने फूक मारी तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मारी, फिर वापस सांस लिए, वापस नॉर्मल। लेकिन फोर्सफुली एक्सेलरेशन के पास में भी हमारे पास कितना बच गया, आरवी बच गया। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ होता है, और ये किसके थ्रू नापा जाता है, द कैलकुलेट द चेंजेस इन लंग वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय स्पायरोमीट्री। इससे स्पायरोमीट्री से बता, क्या लिखोगे, कैलकुलेट द चेंज इन लंग के वॉल्यूम बाय स्पायरोमीट्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये ग्राफ समझ में आ गया ना सबको, बनाइए इसको। और यहां पर आप उसका वॉल्यूम भी लिख सकते हो, जैसे इसका लिख दिया आपने 500, इसका 2000 टू 3000 ml, ठीक है। ईआरवी को हमने लगभग कितना माना था,
आरबी को कितना बोला था? ठीक है, और ये वी सी इक्वल टू क्या है? आई आर बी प्लस पी वी प्लस ई आर बी। और टीएलसी क्या है? वी सी प्लस आर बी। स्पायरोमीट्री क्या है? कैलकुलेट द चेंज इन लंग वॉल्यूम, इससे कैलकुलेट करते हैं स्पायरोमीट्री। आप देखोगे कि वहां, हाँ एफ आर बी वही होगा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ई आर बी प्लस एफ आर बी होगा। लिख सकते हो आप कहीं भी, ये लो। नोटेड बेटा,